बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद हालात बेकाबू हैं। हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई है कि उपद्रवियों की भीड़ ने पीएम आवास पर ही हमला बोल दिया। इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़कर शेख हसीना को अपना देश भी छोड़ना पड़ा है, जो फिलहाल इस वक्त भारत में है। सोमवार को गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान आकर रुका। इस बीच भारत में पीएम आवास पर डेढ़ घंटे तक करीब सीसीएस की बैठक हुई, जहां विदेश मंत्री और एनएसए ने प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के हर हालात पर जानकारी दी है। अब हिडन एयरबेस के शेख हसीना का विमान कहां जाएगा, वे अभी साफ नहीं है। उधर बांग्लादेश में भीड़ बगावत के बाद सड़कों पर है, जिसने दोपहर में पीएम आवास में घुसकर खूब लूटपाट की। इसी लूटपाट के ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो सचमुच हैरान करने वाले हैं। किसी भी देश के पीएम आवास में ऐसा उपद्रव कतई आम नजारा नहीं है। एक वीडियो में भारी भीड़, कुर्सी, टेबल, सोफा, महंगे पंखे, फर्नीचर, पौधे, बैग, ऐसी यहां तक कि गद्दे और पतीले तक लूटकर जाते दिख रहे हैं। एक अन्य वीडियो में लोग हसीना के कपड़े और निजी सामान ले जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा किसी ने उधान ने बत्तख लूट ली तो किसी ने बकरी। हैरानी की बात यह है कि सब करते हुए लोग बड़े गर्व से फोटो खिंचवा रहे हैं। एक व्यक्ति को साड़ी पहनकर हाथ में लूट का सामान लादकर निकलते देखा गया, तो एक ने अंडरगारमेंट्स भी हाथ में लिए हुए थे। एक शख्स पीएम आवास से कार्डलेस फोन लेकर ही निकल पड़ा।